ठीक है, ये तो पहलगाम से भी ज़बरदस्त लोकेशन है, तो यू गाइस शुड विजिट हेयर, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लोकेशन है। बट और यहाँ पर हमारे भाई बेचारे डर रहे थे आने में, तो अभी हमें पानी मिल गया, यहाँ पर देखते नहाते हैं। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अदनान शोराव व्लॉग्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो अभी जो है सुबह के 5:30 बजे है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम एक जबरदस्त जगह जा रहे हैं। सारी तैयारी हो चुकी है और मैं रेडी भी हो गया हूँ, तो हम एक ड्रीम प्लेस पे जा रहे हैं, जो मेरी भी ड्रीम प्लेस है, सारे लोकल कश्मीरीज की भी ड्रीम प्लेस है, और जो आउटसाइडर्स है, इंडियंस है, उनकी भी ड्रीम प्लेस है, जबरदस्त जगह होने वाली है। तो अभी फिलहाल जो है सारे जो है हम टोटल 10 से 11 लोग जा रहे हैं वहां पे, तो ये जो है सारा सामान हमारा ये होने वाला है, तो जो है चीजें होने वाली है जो कि हमें वहां पे जरूरत लगेंगी कैंपिंग में। तो एक जबरदस्त जगह है, लिटरली आपको देखकर बहुत ज्यादा मजा आएगा, सिंपली पैराडाइज लगता है, और पूरी दुनिया से अलग जो है होने वाले हैं। हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो ये हमारा 4 दिन का सामान है, 2 टेंट्स और जो है स्लीपिंग बैग्स, और इसमें भी बहुत सारा सामान है जो कि हम वहाँ ले जाने वाले हैं। तो फिलहाल जो है हम जो है चलते हैं और शुरू करते हैं अपना ये ज़बरदस्त सफ़र। तो ठीक है, यहाँ से अभी चलते हैं, ऐसे मुझे भाई जो है वो छोड़ने वाला है हमें नौगांव में, ठीक है। हाँ जी गाइज, तो फाइनली हम निकल रहे हैं घर से, तो अभी जो है सामान भी रेडी हो गया, वो मैंने गाड़ी में भर दिया है, और जो ये बैग है ये भी मैं अभी गाड़ी में भरने वाला हूँ, फिर हम चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो पहुँच गए हम फाजिल को लेने, यहाँ से हम निकलते हैं और पहुँचते हैं नौगांव, तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइज, तो पहुंच गए हम नौगांव रेलवे स्टेशन, तो अभी जो है हम यहां से टिकट्स लेंगे और निकलेंगे, ट्रेन का सफ़र करेंगे स्टार्ट अपना। तो एक शेर इस सफ़र के नाम, इस सफ़र में नींद ऐसी खो गई, इस सफ़र में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए रात थक कर सो गई। नौगांव से हमारा जो ट्रेन का सफ़र है वो शुरू हो गया है, तो अभी हमें जो है पहुंचना है ट्रेन में अनंतनाग, उसके बाद जो है अनंतनाग से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, वहाँ फिर से मिलते हैं, उधर चलेंगे हम ट्रेक के लिए। Few moments later. Guys, so finally हम पहुंच गए अनंतनाग, तो अभी जो है हम रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे हैं बाकियों का, जो कि अभी आने वाले हैं और भी हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं। अभी हम कुछ 4-5 लोग हैं और 4-5 लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो अभी हम यहीं पर वेट करते हैं उनका। Guys, तो अभी जो है हमारी गाड़ी अनंतनाग के पास आ गई है, तो अभी हम जो है गाड़ी में पहुँचेंगे पहले अहरबल, उसके बाद हम जो है ट्रैक करने वाले हैं, तो यहाँ से हम जाएंगे अहरबल। तो चलिए शुरू करते हैं जो है अपना सफ़र अहरबल का, यहाँ से इसमें। तो सामान हमने जा रहा गाड़ी में भर लिया है, तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से। गाइस, तो अभी हम पहुँचे हैं कुलगाम घंटाघर के पास, यहाँ से हमें कुछ सामान लेना है खाने के लिए, जो ट्राई लाइन से हमें वो लेना है, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे अहरबल की तरफ, जो कि अभी ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स यहाँ से है। ये देखिए, यहाँ से 30 किलोमीटर्स जो है अहरबल है, कोंगवतन 38 है, ठीक है। तो यहाँ हमें पहुँचना है अहरबल, उसके बाद हम देखेंगे बाकी चीज़ें। गाइस, तो यहाँ से हमें जो है मीट लेना है, उसके बाद भी बाकी सामान जो है हमें छोटा छोटा वो भी लेना है, पहले हम मीट लेने आए हैं। आज कर में चाइनीज़ वाला आएगी। हाँ जी, तो अभी हम लेने आए हैं बाकी सामान जो हमें यहाँ से लेना है। गाइस, तो अभी जो हमने सारा सामान ले लिया यहाँ से, जो भी हमें वहाँ पे ज़रूरत है एनर्जी के लिए, जूस वूस और बाकी चीज़ें भी, ड्राई लंच, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर और कुछ लेने के लिए है, वो भी हम उठाएंगे यहाँ से। तो अभी हम यहाँ से समोसे भी ले रहे हैं सबके लिए। तो गाइस, तो फाइनली हम पहुँच गए अहरबल, तो अभी जो है टाइम आया है 9:45, तो फिलहाल हमारा जो ट्रैक है वो स्टार्ट होने वाला है यहाँ से,
तो ये है कुछ रास्ता, ये है ट्रायल जहाँ से हमारा जो है रास्ता होने वाला है स्टार्ट। इसके थ्रू हम जाने वाले हैं। अभी हम सामान वामान उतार रहे हैं और अभी हमें लोग और कुछ आ रहे हैं और यहाँ पर हम एनी भाई भी सामान उतार रहे हैं। फंस गया इसके। रेडी गाइस, तो हमारा ट्रैक जो है शुरू हो रहा है यहाँ से। तो अभी जो है हमने सारा सामान जो है पैक कर लिया है, तो अभी हम जो है यहाँ से जाने वाले हैं ट्रैक करने। वहाँ से फाजल भाई भी स्टार्ट हो चुके हैं ट्रैक के लिए। हाँ जी गाइस, तो हमारा जो ट्रैक है फिलहाल स्टार्ट हो गया है अहरवल से। तो यहाँ से हमें जो है पहुँचना है माहीनाग, जो कि अराउंड 7 किलोमीटर हमें है। तो वहाँ तक 4-5 घंटे हमें लग जाएंगे। तो वहाँ पर हम कैंपिंग करेंगे अच्छे से आज रात को, फिर नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं कहाँ चलते हैं आगे। तो अभी हम चल रहे हैं, स्टार्ट हो गया फिलहाल हमारा ट्रैक, हमारी जर्नी। आज हमने जो है घोड़े वोड़े नहीं किए हमने रेंट पे, तो हम आज खुद ही जा रहे हैं सामान लेके, देखते हैं कहाँ तक हम जा पाते हैं खुद। तो आगे भी हमारे और बंदे हैं, लगभग 10 बंदे हम आज ट्रैक कर रहे हैं। लेट्स गो। गाइस, तो अभी हम रुके हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम। स्वेटिंग की वजह से जो है ना हमारा जो सारा सनस्क्रीन है वो सारा उतर गया है। तो अभी हम नए से सनस्क्रीन यहाँ पर लगाएंगे और रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम वापस जो है ऊपर ट्रैकिंग का सफ़र शुरू करेंगे। गाइस, तो अभी हमें जो है यहाँ से पानी को पार करना है, इस ब्रिज को जो आप सामने देख रहे हो। बाकी भी जो है ट्रैकर्स वहाँ पर सामने बैठे हैं, तो हम भी जा रहे हैं वहीं पर, हमें ये वाला पार करना है, यहाँ से जाना है। गाइज, तो यहाँ से कुछ थ्रिल स्टार्ट हो रहा है, कुछ डिफरेंट रोड हमें लग रहा है यहाँ से, और लेफ्ट साइड से पानी भी है। तो जिसको यहाँ पर एडवेंचर का शौक होगा ना, लिटरली वो ज़रूर यहाँ पर आएगा, बिकॉज बाकी जो जिसको बैठना होगा घर पे, वही किसी पिटी लाइफ। दे कैन एन्जॉय आवर व्लॉग्स और डू सब्सक्राइब फॉर दीज ब्यूटिफुल लोकेशन, यू वांट टू वॉच दीज ब्यूटिफुल लोकेशन। तो अभी हम चलते हैं आगे, रिफ्रेशमेंट टाइम गाइस। और अभी हम आधे घंटे से फिर से उनका इंतजार कर रहे हैं, बट हम चार आगे, खाली रोड दिख रहा है आपको, सिर्फ हम चार आगे हैं, फिर से वो नहीं आए। अब हम क्या कर सकते हैं, कितना वेट करेंगे अब? फिर से हम चलेंगे अब सीधा उनका वेट करेंगे कोंगवतन में। हाँ, डायरेक्टली जहाँ पर हम लंच करेंगे। ओके गाइस, तो अभी हम फिर से करते हैं बिस्मिल्लाह और चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। और अभी हम एक बच जितना हम चले हैं ना उससे बट आ जाए, हमें पहुंचना है कोंगवतन। अभी टाइम आया है 12:50, तो अभी देखते हैं कितने टाइम में पहुंच रहे हैं हम। तो लेट्स गो। चलते चलते शॉवर मिल गया हमें। ओहो हो ये देख रहे हैं आप, मज़ा क्या है यहाँ पर, ज़बरदस्त। चलते हैं अभी, बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ गई, बिकॉज ये पानी जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो अभी हमें और पानी के थ्रू जाना है, ठीक है, ये वाला जो कदल है ये हमें पार करना है। और देखिए एनयू भाई के पास क्या सामान है, बिल्कुल सारा सामान हमारे पास ही है। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट देखिए किसके थ्रू हमें पार कर। A few moments later. गाइस, तो हम पहुँच गए कोंगवतन, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है एक बेस कैंप के, मतलब जहाँ पर कैंपिंग करते हैं वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर लंच करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट बेस पर। आशिक ट्रैकर, व्लॉगस में मस्ट ज़रूरी भाई ज़रूरी हम चेक कमी दोख दिनु तमिस। हम कोंगवतन के नज़दीक पहुंच गए और यहां पर जो है छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं। अभी हमें बस थोड़ा है, बस 5 मिनट लगेंगे ऊपर तक, वहां पर हम फिर कोंगवतन में लंच करेंगे। ठंड साहब पीने के लिए, हाँ
पर आके हमें देखिए क्या मिला। हमारा डिपार्टमेंट यहाँ भी पहुंचा, हमारा डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर का, एग्रीकल्चर का, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर SPS कोंगवतना। ये देखिए गाइस, तो अभी जो है हम पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए कोंगवतन। तो यहाँ पर जो है हम लंच करने वाले हैं। अभी जो है टाइम आया है 2:20, तो यहाँ पर हम लंच करेंगे थोड़ी देर। 3 बजे हम बिल्कुल यहाँ से निकलेंगे माहीनाग के लिए, और वहाँ पर हम एक रात मतलब गुजारेंगे, बेस कैंप लगाएंगे हम वहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ की भी लोकेशन ज़बरदस्त है, बट बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर लंच करेंगे इस लोकेशन पे। और देखिए मौसम कितना ख़राब हो गया है। गाइज, तो हमने जो है लंच अच्छे से कर लिया है। तो अभी जो है टाइम आया है, टाइम कितना है, 2:50 टाइम आया है। तो अभी हम 3 बजे जो है यहाँ से निकलने वाले हैं। हम जाने वाले हैं अब माहीनाग, तो जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जगह है। तो यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है, अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं लंच के बाद, उसके बाद हम निकलेंगे माहीनाग के लिए। ये देखिए लोकेशन क्या है। तो ठीक है, बाकी ज़रा देखने गए हैं यहाँ से कैसा लोकेशन कैसी है, तो वहीं गए हैं। हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं ताकि हम वहाँ पर फिर अच्छे से पहुँच पाए। गाइस, तो अभी तक जो मैं सोया था, थोड़ा सा यहाँ पर नींद पड़ गई थी, एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो इनने प्लान बनाया, प्लान एक्चुअली चेंज हो गया। हमें जाना था माहीनाग, तो हमने जो प्लान है वो चेंज कर दिया, हम माहीनाग किसी और दिन जाएंगे। किसी और दिन मतलब जो हम 4 दिन यहाँ पर रह रहे हैं उसमें से किसी और दिन हम माहीनाग जा रहे हैं। आज हम रहने वाले हैं यहीं पर, क्या बोलते हैं इसका नाम, कोंगवतन में। तो ये भी ज़बरदस्त जगह है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लोकेशन है। तो फिलहाल हम यहीं पर रह रहे हैं, अब जगह ढूंढ रहे हैं सारे के कहाँ पर टेंट लगाएंगे। तो तब से मैं सोया था, थोड़ा सा मैंने सोचा थोड़ा सा थकावट जो है वो निकालते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ, अब पूरा जो है वेदर चेंज हो गया है, साफ़ हो गया वेदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन क्या ज़बरदस्त है। ये देखिए गाइस, लुक एट दिस ब्यूटीफुल लोकेशन, कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लोकेशन है। और ये हमारे बैग्स। तो अभी जो है हम टेंट सेटअप करेंगे, तो तभी आपसे मिलेंगे, ठीक है। तब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ मैं, रेस्ट तो कर लिया बट फिर भी आप उनका भी वेट करके देखते कौन सी जगह वो चूज़ करेंगे। गाइस, तो अभी जो मैं ये लेके जा रहा हूँ, तो हम जा रहे हैं नीचे तक पानी में, थोड़ा सा लाएंगे अगर आया मूड, और इससे भी हम लाएंगे वुड जो नीचे से हमें ज़रूरत लगेगा पूरी रात। तो इनने थोड़ा सा ही लाया, तो अभी हम लाएंगे, खुद देखेंगे नीचे तक भी क्या, थोड़ा सा घूम के आएंगे। बाकी पता नहीं कहाँ गए, वो है दोनों वेट कर रहे हैं। देखिए क्या रास्ता है, हमें जाना है लकड़ी लेने यहाँ से। तो ये देखिए रास्ता ज़बरदस्त, यहाँ से हमें जाना है। और यहाँ पर हमारे भाई बेचारे डर रहे थे आने में, तो अभी हमें पानी मिल गया है यहाँ पर, देखते हैं नहाते या कुछ क्या करते हैं। तो अभी हम पहुंच गए पानी के पास, तो यहाँ पर हम नहाएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, थोड़ा हम फ्रेश हो जाएंगे। तो इस हम नहाने वाले हैं, यहाँ नहीं, यहाँ फोर्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम नहाएंगे, ठीक है। तो चलिए पार्ट टू। जो है लकड़ी ले रहे हैं, हमने जो है नहाया आपसे, तो यहाँ पर हम जो है लकड़ी देख रहे हैं, तो इसको काटने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कटेगी कि नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है। गाइस, फाइनली हमने तोड़ लिया वर्ल्ड कप, तो ये हम ऊपर ले जाएंगे। अब हमें बहुत ज़्यादा शाबाशी मिलेगी। तो चलिए चलते हैं। ओह, आधे घंटे मतलब 20 मिनट से हम ट्राई कर रहे थे, अब ये टूटा, मेहनत। गाइस, तो हम जो है आ गए लकड़ियाँ लेके, बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा स्लोप बहुत ज़्यादा था, तो हमने यहाँ पे टेंट भी लगा लिए हैं। ऑलमोस्ट 3 टेंट हमने लगाए हैं, और देखिए क्या ज़बरदस्त लोकेशन पे हमने टेंट लगाया है। यहाँ से भी कहा लोकेशन है, तीनों हमने बोला, हमने झूठ नहीं बोला। अच्छा तीनों।
गाइस तो अभी हम चाय पी रहे हैं गाइस। तो फिलहाल हमने चाय वाय अच्छे से पी ली और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ऊपर से सनसेट भी है अभी, तो अलग ही व्यू है। अभी हम थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेता हूँ बिकॉज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो अब मैंने जो है दवाई ववाई खा लिया है, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा थोड़ी देर, फिर शाम को हम अच्छे से एस्ट्रो फोटोग्राफी करेंगे अगर क्लाउड्स ख़त्म हो गए। बिकॉज अभी जो है ये देखिए क्लाउड्स कैसे अभी, बट सनसेट भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। लुक एट दिस, क्या ज़बरदस्त लोकेशन है भाई। सीरियसली मतलब कैमरा में नहीं दिख रहा होगा बट सीरियसली बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लोकेशन है। आई थिंक अब जब पानी के पास गए थे ना, मेरे को बोल रहा है फ्रेंड, बोल रहा है कि ये तो पहलगाम से भी ज़बरदस्त लोकेशन है। तो यू गाइस शुड विजिट हेयर, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लोकेशन है। बट इफ़ अगर आप ट्रैक कर सकते हो तो आप यहाँ आ जाओ, बिकॉज ट्रैक ईजी नहीं है। अभी तक तो ईजी है बट इसके बाद जो जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ तक जो है ट्रैक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ी देर बाद आपसे मिलता हूँ। गाइस तो ऑलमोस्ट जो है शाम हो गई है, अभी जो है टाइम आया है देख सकते हैं आप 8:10। तो अभी बिल्कुल जो है शाम हो गई है, फिलहाल मैं फोकस नहीं कर पा रहा। हाँ तो फाजिल भाई का शीशा घूम गया है तो वही यही ढूंढ रहे हैं वो। तो यहाँ पर हम जो है आग जला रहे हैं, इसके इसमें हमें जो है डिनर पकाना है इस आग पे, और हमें बारबेक्यू भी बनाना है। ठीक है तो अभी हम पहले आग जलाते हैं। और यहाँ पर अभी जो है चिकन धोया जा रहा है, चिकन हमें पकाना है, चिकन धोया जा रहा है डिनर के लिए। हेड टॉर्च लगाई है, अभी मेरी शक्ल भी नहीं आ रही होगी, सीरियसली हेड टॉर्च मैंने लगाई है ऐसे देखो। हाँ बहुत दूर तक ये देखो गाइज। तो अभी जो है हम एनी भाई और मैं कर रहे हैं यहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एस्ट्रो फोटोग्राफी है अभी तक, मतलब जितनी भी मैंने एस्ट्रो फोटोग्राफी की ना सबसे ज़बरदस्त यहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी हो रही है। बिकॉज आज जो है ना मतलब स्टार्स बहुत ज़्यादा, अब मैं कैसे आपको फ़ोन में दिखाऊँ, तो शायद मैं वीडियो में एडिट करके डाल दूंगा कुछ फोटो जो हमने एस्ट्रो फोटोग्राफी में लिए, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आपको चेकआउट भी करने हैं हमारे कुछ बेहतरीन शॉट्स, तो यू कैन चेकआउट ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल फोटोग्राफी विद लेंस। तो फिलहाल जो हम करते हैं फोटोग्राफी, और वहाँ से जो है खाना भी पक रहा है तो उसके बाद हम डिनर करेंगे अच्छे से। गाइज तो अभी जो है टाइम आया है 10:30, तो अभी तक जो हम सालन पका रहे हैं यहाँ पर। अभी तक आप कहाँ थे? अभी तक हम एस्ट्रो फोटोग्राफी कर रहे थे और इसमें जो है खाना भी पक रहा है। और ये देखिए यहाँ पर हालात, डेडिकेशन, हालात हाजरा जनाब बात मानो यूर त्रेश गिलास मानो जल्दी। तो गाइज खाना जो है रेडी हो गया हमारा डिनर, अभी जो है हम डिनर खाएंगे अच्छे से। तो हमने जो है चिकन पकाया है और जो हमने है वो सीधा राइस पकाया, तो वही खाएंगे अच्छे से राइस के साथ चिकन। देखते हैं कैसा बना है, वाइल्ड तरीके से पकाया है। दूर क्यों मत रहा बाबू, तो मेरा खाते हैं ना बनी लाइट खाते हैं लाइट ना वो चीज हम। गाइस ये हमारा डिनर है, मैं जाम तक नहीं पीया बैग से, मैं जाकर सॉरी सारा बैग ले जा रहा हूं। वो तो वो खाता हूं ना।